साथियों नमस्कार। आज आपको मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। पूरे छत पर वाटर प्रूफिंग कर दी गई है और जो टंकी का ये फाउंडेशन बना हुआ है उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग किया जा रहा है। चैनल पर पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लास्ट तक देखें। आज आपको मैं सब कुछ बारीकी से बताने वाला हूँ कि वाटर प्रूफिंग का क्या फ़ायदा होता है, वाटर प्रूफिंग कैसे करनी चाहिए और किन जगहों पर करनी चाहिए। वैसे तो देखा जाए माय डियर फ्रेंड्स, तो एक बिल्डिंग में जो है छत के ऊपर बहुत ज़रूरी होता है वाटर प्रूफिंग करना। किचन, बाथरूम, बेसमेंट वगैरह में जहाँ भी पानी का काम होता है वहाँ पर ज़रूर कर देना चाहिए। ये छत है, इसके ऊपर टंकी रखी गई थी, फाउंडेशन है, इसमें जो है फाउंडेशन वर्क पे टंकी रख दी गई थी, लेकिन ये गलती कर दिया गया था कि यहाँ पर जो है वाटर प्रूफिंग का काम नहीं किया गया था, जिसकी वजह से पूरा ये छत ख़राब हो गया था। नीचे सीलिंग वगैरह जो है गिरने लगा था, इंटीरियर का काम, जो फाल सीलिंग है, सब कुछ ख़राब हो चुका है। यही काम अगर पहले कर दिया गया होता वाटर प्रूफिंग, या समय रहते कर दिया गया होता, तो ये सब चीज़ रिनोवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये सब ख़राब भी नहीं होता और आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। पूरा आप बगल में वाल देख रहे हैं, वाल का प्लास्टर सब हटा दिया गया है, वाल का प्लास्टर जो है हटा के वाटर प्रूफिंग कर दी गई है। एक तरफ से रिनोवेशन का काम यहाँ पे हुआ है, तो जब भी आप टंकी वगैरह रखने के लिए फाउंडेशन बनाएं उस पर वाटर प्रूफिंग कर दें, या टंकी एरिए पूरे छत पे वाटर प्रूफिंग आप कर दें। नया नया कंस्ट्रक्शन है तो इसमें करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि सारा काम कर देते हैं लेकिन वाटर प्रूफिंग का काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जब चीज़ें खराब होने लगती है तो फिर बाद में समझ में आता है, लेकिन जब चीज़ ख़राब हो जाती है तब समझ में आता है और पैसे का कहीं ना कहीं अधिक खर्चा में आता है। तो आपको जब भी टंकी वगैरह रखने के लिए छत पे फाउंडेशन बनाइए, पूरे छत की वाटर प्रूफिंग कर दें, टंकी एरिया में भी कर दें आप। यहाँ पर टंकी हटाई गई है जैसे कि आपको मैं वीडियो में दिखाया हूँ, उसके बाद वाटर प्रूफिंग का काम फाउंडेशन पे शुरू हो गया है। छत पे पूरा वाटर प्रूफिंग हो चुका है, वाल पे भी हो चुका है, बगल में आप देख रहे हैं टोटल 7 कोटिंग हो रखी है, फाइनल कोटिंग है छत बचना। इसका मैं लोकेशन बता दूँ कि दिल्ली के रमेश नगर एरिया में यहाँ पर कंपनी की साइट जो है चल रही है। आपके छत पर दिक्कत है, पूरे वाटर प्रूफिंग आपने नहीं कराया है, छत से पानी टपकता है, सीलन वगैरह पूरे छत को ख़राब कर देता है, तो आप उसमें वाटर प्रूफिंग जरूर करा ले समय का रहते हैं। नहीं तो बाद में क्या होगा कि जब सब चीज़ें खराब होने लगेंगी, यहाँ तक तो मैंने देखा है पूरे छत को तोड़ते हुए, सीलन सीपेज पूरे छत को ख़राब कर देता है तो उसको तोड़ते हुए मैंने देखा है। तो उससे बचने के लिए आप वाटर प्रूफिंग कर देंगे तो छत वगैरह नहीं तोड़ना पड़ेगा, आपका छत ख़राब भी नहीं होगा और आपका बिल्डिंग का लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। छत का जब लाइफ बढ़ेगा तो बिल्डिंग का भी लाइफ बढ़ जाएगा। तो वाटर प्रूफिंग जरूर कराएं, जो कंपनी की सर्विस है पूरी दिल्ली और इंडिया में अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद।